अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद उमर जावेद। मेरे चैनल का नाम स्टार उमर व्लॉग्स। आपको इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। दिनों हजरात हमारे साथ एक चैंपियन बैठा है जिसका नाम है उमर जावेद और उनके वाले जावेद हसन साहब। उमर थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू कि आप आए। आप इतनी जल्दी से नोटिस पे आ गए, हमने आपको जल्दी जल्दी फोन किया। पैकिंग हो गई, कुछ कपड़े वपड़े रख लिए थे साथ में, हो गए तैयार हो गए थे। थैंक यू सो मच बच्चा। ये सबसे पहले मैं जाहिर साहब से पूछूंगी, जाहिर साहब ये आपको लगता नहीं है कि ये आपके शायद तमाम बच्चों में से सबसे बड़ा जो है ये सितारा निकला है? ये मेरे पूरे खानदान में सबसे बड़ा सितारा। खानदान में नहीं, मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सितारा है। इंशाल्लाह आप लोगों की साथ से ये पूरे इस मुल्क का नाम रोशन करेगा और ये आप ही की वजह से आज जो है हाईलाइट जो आप कर रहे हैं, मैं इतना मशहूर हूँ आप लोगों का। नहीं नहीं जाहिर साहब, कैसी बात कर रहे हैं, सब लोग बच्चा है हमारा, मुस्तकबिल है हमारा, हमारा फ्यूचर है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हजारों बच्चे हैं मैडम, लेकिन जो आप लोग जिस तरह से इन लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा जिहाद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको आमीन, इलाही आमीन। सबसे पहले तो फौजिया अली को जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई हमारी, फौजिया ग्रेट वर्क सोल्जर, ग्रेट वर्क, बहुत जबरदस्त तुमने जो है ये हमें इनफैक्ट थैंक यू कहना है मुझे पूरी टीम की तरफ से कि तुमने उमर को कवर किया और उमर की कहानी कल हम लोगों ने देखी। बिकॉज जाहिर हम अपनी ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं कि न्यूज पे क्या चल रहा होता है और सलाम है हमारे सारे रिपोर्टर्स को, अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से कि जिस तरीके से वो स्टोरीज कवर करते हैं, ग्रेट वर्क डन। उमर मेरे लिए जो इतने सारे कार्ड्स, इतनी सारी ड्राइंग्स, इतनी सारी जो चीजें बनाई हैं, मेरा कार्ड कौन सा है इसमें से, ये तो बता दो मुझे। मेरे लिए लाए हो कि नहीं लाए हो? जी लाया। लाया हो? कौन से वाला लाया हो? कौन सा कलर का? ग्रीन वाला, येलो वाला, दूसरा ग्रीन, कौन सा है? कौन सा वाला है मेरा कार्ड है भी कि नहीं है? है। कौन सा वाला? इनमें एक ये है, एक ये वाला है मेरा। अरे वाह, ऑल नॉट सो स्वीट, खुद लिखा है, ऑलवेज बी हैप्पी। और देखिए याद, इतना बारूद सा मेरे लिए उमर कार्ड लेकर आया, इस पे लिखा है ऑलवेज बी हैप्पी। खुशियां बांटने वाले लड़के, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, तुम्हें सलामती दे, तुम्हें तरक्की दे, तुम्हें ये मेरे इस साल की शुरुआत हुई है इस बेहतरीन गिफ्ट से और ये पूरी जिंदगी मैं याद रखूंगी, पूरी जिंदगी। मिसेस मुगल आजम कराची लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुगल आजम। वालेकुम अस्सलाम माई जी, क्या चाह रहे हैं आप? ठीक हूँ, खैरियत से, वहाँ बताएं। अल्लाह मियाँ आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रखे। और ये बच्चा माशाल्लाह देखा, अल्लाह ताला इसको हिम्मत हौसला दे, माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया। देखें जो हाथ, जो लोग देखे कि जिनके हाथ हैं वो भीख मांगते हैं और करते हैं, देखिए इसकी नॉलेज देखे हैं जरा, इसने पांच अपनी पेंटिंग बनाई है। और मैं सोच के ये हैरान हूँ कि देखो जो आजकल के लोग बच्चे हैं इनमें इतना शौर नहीं है, वो बैठे रहते हैं, काम नहीं रहता, और इस बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है और इसने अपने आप को कितना किया है, मुझे बहुत खुशी इस बच्चे को देख के। जी हाँ, मतलब माशाल्लाह से इसको मेरा दिल चाह रहा है उसको पकड़ के उसका झप्पी मार लूं जोर से। और इतना पारा बच्चा है, ये भी सर्कल पे देखिए, एक एक कहते हैं ना जीतने वाले की जो एक मुस्कुराहट होती है, ये शक्ल पे वो मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट है जिससे लोग देख के जी उठे, वो मुस्कुराहट है जिससे लोग अपने जमीर को झिंझलाएं थोड़ा सा कि सब कुछ होने के बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर रहे, ना अपने लिए, ना अपने घर वालों के लिए, ना अपने मुल्क के लिए। उमर सबसे पहले सोल्जर मुझे एक बात बताओ कि कब ये सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए? माशाल्लाह इतनी तुम्हारी तस्वीरें, मैं जदाई साहब के साथ भी तुम्हारी तस्वीर देख रही हूँ, सदर साहब के साथ, और इतने मैगजीन्स में तुम्हारे इंटरव्यूज, कैसे कैसे लगा तुम्हें क्या कुछ कुछ सामने आना चाहिए मेरा कोई टैलेंट दुनिया के? किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट की? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अम्मी ने, वालदैन ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे हेल्प की मेरी के मैं कुछ बन सकूं, कुछ मुल्क की तकलीफ के लिए दिन रात मेहनत कर सकूं। मुल्क बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है। मुल्क से प्यार करते हो? क्या करना चाहते हो इस मुल्क के लिए? इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करना चाहता हूँ और अपनी मेहनत से दूसरों को फायदा पहुँचाना चाहता हूँ।
बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए अपनी ज़ात के लिए कुछ करना चाहते हैं। सबक लीजिए उमर से कि दो हाथ ना होने के, मैं कहती हूँ दो हाथ क्या, हम सारे इसके बाजू बन जाएं, लेकिन सिर्फ हमें वो सोच चाहिए।